तुम कहती हो पिताजी भगवान के पास चले गए, लेकिन माँ जाने से पहले क्या करते थे आज बताओ माँ। ये थे तेरे पिताजी, हाँ हंसाते थे, कहते हैं उनसे बड़ा जोकर कोई नहीं हो, हर रोज सर्कस में लोग हंसते हंसते पागल हो जाते थे। ये कैसी बातें कर रहे राजा, मैं और तुझे मरवाना चाहूंगी। मेरे पास को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, हट जा। नहीं, तुम अपने भाई को नहीं मार सकते। भाई? हाँ रवि, ये तुम्हारा जुआ भाई बबलू, जिसे बचपन में विशाल उठा कर ले गया था। विशाल? और अब्बा, ये वही फूल वाली माँ जी है जिनका मैं अक्सर जिक्र किया करता हूँ। याद है वो काली रात, उस काली रात को मैं कैसे भूल सकती हूँ जिस रात को मैंने अपने पति और तीनों बच्चों को खोया था। बैठ अब नीलमा, चलो। नारंगी, क्यों जल्दबाजी करता है? क्या तू समझता है कि ये खबर सुनकर मैं खुश हो गई हूँ? अरे छाती फट गई है मेरी, ये दो टके की छोकरी ना जात ना पात हमारे घर की बहू बनेगी? गुप्पी छोड़ो ना ये रोना धोना, तुम्हारी इस घर में सुनता ही कौन है। जब इसका बाप जेल से छूट के आया करता था, खूब मोटा ताजा होकर आता था, इसीलिए तो जेल को ससुराल कहते हैं कि खूब खाओ पियो और सेहत बनाओ। देखना मेरे बेटे की हड्डियाँ निकल आई, कितना दुबला हो गया है बेचारा। अच्छा किया, बहुत अच्छा सिला दिया अपनी माँ के दूध का। तेरे साथ वो जो नीचे बैठा है ना, वही तेरा असली बाप है। उनकी अमानत है तू हमारे पास। अरे सिमी, तू तो बड़ी अच्छी शायरी करने लग पड़ी है, मुंडा बड़ा चंगा लगता है। मम्मी, क्या आप अब्बा जी के लिए अपनी जान दे सकती हैं? जाहिर सी बात है, वो मेरे शौहर है, मैं उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मेरी माँ, क्या करूं मैं तेरा? तुम्हें सच में लगता है कि 6 महीने में मैं शादी कर लूंगा? बकवास ना किया कर मेरे नाल। 10 years listening to society, कभी ये लड़की कभी वो लड़की, हाँ? तू फ्लर्ट टाइप का है क्या? के तुम मदर इंडिया बनना चाह रही हो? बनूंगी मैं मदर इंडिया, मैं माँ हूँ, माँ के पास दिल होता है। हाँ, बाप तो बैटरी से चलते हैं।